तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है रीहीट रैंकाइन साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रीहीट रैंकाइन साइकिल को कैसे प्लॉट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रीहीट का मतलब क्या होता है और रीहीट से एडवांटेज क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट है उसमें रीहीटर का यूज क्यों किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, रीहीट रैंकाइन साइकिल को समझने के लिए मैंने यहां पे एक ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग की मदद से हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि रीहीट रैंकाइन साइकिल को कैसे टीएस डायग्राम में प्लॉट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस ड्राइंग को समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट है, चाहे फ्रेंड्स हम लोग का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट हो या सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट हो, वहां पे फ्रेंड्स हम लोग का मेनली दो या तीन टर्बाइन देखने को मिलता है, जिसमें फ्रेंड्स एक होता है हम लोग का एचपीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर टर्बाइन, और होता है फ्रेंड्स हम लोग का आईपीटी एंड एलपीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन एंड लो प्रेशर टर्बाइन। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाई प्रेशर टर्बाइन, यानी कि फ्रेंड्स इस टर्बाइन में जो हम लोग का स्टीम यहां से एंटर करता है, तो फ्रेंड्स स्टीम कहां से आता है, तो बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हीट अप करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टीम इस टर्बाइन के अंदर एंटर करेगा उसका अगर प्रेशर की बात करेंगे तो वह प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही हायर होता है, जितना कि हम लोग का डिजाइन के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर और टेम्परेचर से स्टीम क्या करेगा, इस टर्बाइन के अंदर एंटर करेगा। तो हाइयर प्रेशर का स्टीम इसके अंदर एंटर करता है, इसीलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर टर्बाइन। और फ्रेंड्स, यहां से जैसे हम लोग का स्टीम इस टर्बाइन के अंदर एंटर करता है, तो हम लोग जानते हैं कि यहां पे स्टीम का एक्सपेंशन होता है। एंड जैसे ही स्टीम इस टर्बाइन के अंदर एक्सपेंड होता है, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप करता है, जिसके चलते इस टर्बाइन द्वारा उस स्टीम का एनर्जी को यूटिलाइज करके वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो एग्जॉस्ट यहां से स्टीम होता है, जो यहां से स्टीम हम लोग का एक्सपेंड होने के बाद निकलता है, उसको दोबारा से हम लोग कहां भेज देते हैं, तो उसको हम लोग भेजते हैं फ्रेंड्स रीहीटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हम लोग का रीहीटर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि जो स्टीम इस टर्बाइन के अंदर एंटर कर रहा है उसका प्रेशर 188 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड उसका टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस है। और फ्रेंड्स, जैसे ही इस टर्बाइन के अंदर एक्सपेंड करता है, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी जो एग्जॉस्ट में हम लोग का स्टीम मिल रहा है उसका प्रेशर मान लीजिए फ्रेंड्स हमको मिल रहा है 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका टेम्परेचर मान के चलते हैं फ्रेंड्स 350 डिग्री सेल्सियस हमको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इस एग्जॉस्ट स्टीम को, यानी जो इतना प्रेशर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि बॉयलर क्या होता है, आइसोबारिक हीट एडिशन होता है, यानी कि इस बॉयलर में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो एग्जॉस्ट स्टीम का प्रेशर होगा वह क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट रहेगा इस होल प्रोसेस में, लेकिन क्या होगा फ्रेंड्स, जो हम लोग का यह टेम्परेचर है इसको हम लोग केवल इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टेम्परेचर को हम लोग यहां पे बॉयलर में क्यों इंक्रीज करते हैं, इसके लिए हम लोग अभी टीएस डायग्राम में इसको प्लॉट करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग इसको रीहीटर में एग्जॉस्ट स्टीम को लाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा यह टेम्परेचर गेन करेगा। तो फ्रेंड्स, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोल्ड रीहीटर लाइन, और फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं हॉट रीहीटर लाइन। तो फ्रेंड्स, इस लाइन से जो स्टीम है उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करके कहां भेज देते हैं, तो आईपीटी टर्बाइन में। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो हम लोग का स्टीम एंटर करेगा उसका क्या होगा, 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर हम लोग जितना इसका था 540 डिग्री सेल्सियस था, उतना ही हम लोग इसको भी गेन करके ला देते हैं। तो 540 डिग्री सेल्सियस यहां पे टेम्परेचर से स्टीम इसके अंदर एंटर करेगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि फिर से जैसे हम लोग का टर्बाइन के अंदर स्टीम आया, तो यह स्टीम क्या होगा, फिर से इसका एक्सपेंड होगा, यानी कि फ्रेंड्स इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, हम लोग का डिक्रीज होगा। फ्रेंड्स, इस एग्जॉस्ट स्टीम का प्रेशर कितना ड्रॉप होता है, जितना हमारा कंडेंसर का डिजाइन प्रेशर होता है उतना तक हम लोग इस टर्बाइन में ड्रॉप करवाते हैं। उसके बाद यहां पर हमारा क्या रहता है, एग्जॉस्ट स्टीम रहता है इस कंडेंसर में आता है, और कंडेंसर में जैसा कि हम लोग जानते हैं इस एग्जॉस्ट स्टीम को क्या कर देते हैं, कंडेंस करवा देते हैं।
तो फ्रेंड्स यहां पे जो हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम है वह कंडेंस होकर के आ जाता है हमारा हॉटवेल में। हॉटवेल से फिर से हम लोग कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप यानी सीईपी पंप से हम लोग क्या करेंगे डिएरेटर में भेज देंगे। तो यह क्या है फ्रेंड्स हमारा डिएरेटर है। फ्रेंड्स इस डिएरेटर का लिक्विड को बीएफपी द्वारा हाई प्रेशर से बॉयलर में प्रोवाइड किया जाता है और हम लोग जानते हैं कि बॉयलर में कोल का कंबसन होता है जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट को वाटर क्या करेगा अब्सॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टीम को हम लोग भेजते हैं एचपीटी और एचपीटी का जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको हम लोग भेजते हैं रीहीटर में जो कि हमारा बॉयलर में ही सिचुएटेड होता है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इस स्टीम का इस एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं और जैसे ही हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इस स्टीम को हम लोग आईपीटी एंड एलपीटी टर्बाइन में भेजेंगे और यहां पे फिर से स्टीम एक्सपेंड होने के बाद कहां आ जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में इस एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस करके हॉटवेल में ला देते हैं। हॉटवेल से सीपी सीपी टू डिएरेटर और यह ऐसे ही हम लोग का साइकिल चलते रहता है। तो चलिए फ्रेंड अभी हम लोग इस डायग्राम को टीएस डायग्राम के मदद से समझते हैं। इस एग्जॉस्ट स्टीम को इस रीहीटर में हीट करने का जरूरत क्यों पड़ा उसको हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग इस स्टीम का प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस स्टीम का एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा क्योंकि एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे स्टीम के पास ज्यादा अमाउंट में एंथैल्पी हो जिसके चलते क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हमारा इनलेट स्टीम के पास एंथैल्पी ज्यादा होगा यानी कि फ्रेंड्स कम स्टीम में सेम पावर जनरेट कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स सेम पावर जनरेट करने के लिए हम लोग को यहां पे स्टीम का रिक्वायरमेंट कम होगा जिसके चलते हमारा स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन यानी कि फ्रेंड्स एसएससी हम लोग का रिड्यूस होगा। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्बाइन एफिशिएंसी। यानी कि फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग का एसएससी डिक्रीज होगा तो टर्बाइन का एफिशिएंसी हम लोग का इंक्रीज हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स ओवरऑल थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी हम लोग का इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग यहां पे हम लोग क्या करेंगे प्रेशर इंक्रीज करेंगे लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करेंगे यानी यहां पे जो हम लोग का स्टीम है उसका हाईर प्रेशर सेंटर करवाएंगे उसको हम लोग इस टीएस डायग्राम में प्लॉट करके देखते हैं। फ्रेंड अभी हम लोग समझते हैं कि रीहीट रैंकिन साइकिल को इस टीएस डायग्राम में कैसे प्लॉट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स वर्टिकल में हम लोग का क्या है टेम्परेचर लाइन है हॉरिजॉन्टल में हमारा एंट्रोपी लाइन है और यह जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेपर डोम। यानी कि फ्रेंड्स यह जो हम लोग का वेपर डोम है मेनली दो लाइन से बना हुआ रहता है एक होता है हमारा लिक्विड लाइन दूसरा होता है हमारा वेपर लाइन। और फ्रेंड्स यह लिक्विड लाइन और वेपर लाइन जिस पॉइंट पे आके मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और फ्रेंड्स यहां पे क्रिटिकल पॉइंट पे अगर प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर होता है फ्रेंड्स हम लोग का 221 बार यानी 221 बार होता है और टेम्परेचर कितना होता है फ रेंड्स हम लोग का टेम्परेचर होता है 374.5 डिग्री सेल्सियस यानी अप्रॉक्स हम लोग का 375 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और क्रिटिकल प्रेशर कितना है 221 बार या इसको बोल सकते हैं 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और फ्रेंड्स इस प्रेशर और टेम्परेचर पे यानी इस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो हम लोग का लेटेंट हीट होता है वह क्या हो जाता है फ्रेंड्स जीरो हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे समझेंगे तो जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि यह क्या है फ्रेंड्स हमारा लिक्विड लाइन है और इधर क्या होता है हमारा लिक्विड जोन होता है या क्या फ्रेंड्स हमारा वेपर लाइन है और इधर क्या होता है हमारा वेपर जोन है। यानी कि फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो प्रेजेंट रहेगा वह लिक्विड रहेगा और इस जोन में जो प्रेजेंट होगा वह हमारा वेपर रहेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या है हमारा लिक्विड जोन है यहां पे हमारा वेपर जोन है यहां पे भी लिक्विड जोन है यहां पे भी वेपर जोन है यहां पे भी। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पे क्या है हमारा लेटेंट हीट जो है पूरा जीरो हो जा रहा है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि सेम टेम्परेचर पे हमारा फेज चेंज हो जाना यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा लिक्विड है उसको सेम टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे यहां पे क्या है हमारा लिक्विड है यहां पे क्या है हमारा वेपर है तो यहां पे जो भी हम लोग हीट का एडिशन करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर में हीट एडिशन। तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स यहां पे सेम टेम्परेचर में हम लोग लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिए यानी यहां पे हमारा हो रहा है लेटेंट हीट। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा लेटेंट हीट ज्यादा है लेकिन इस पॉइंट पे देखेंगे तो लेटेंट हीट क्या हो गया कम हो गया यहां पे देखेंगे तो लेटेंट हीट और कम हो गया इस पॉइंट पे देखेंगे तो लेटेंट हीट हमारा और कम हो गया और इस पॉइंट पे देखेंगे तो लेटेंट हीट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यानी कि फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग इस लिक्विड का प्रेशर 221 प्रेशर से इस बॉयलर में प्रोवाइड करेंगे तो यह जो वाटर है डायरेक्टली हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और इस स्टीम को हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं टर्बाइन को। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारा
किसी भी थर्मल पावर प्लांट का प्रेशर 221 बार हो या इससे ज्यादा हो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। और इस टाइप के थर्मल पावर प्लांट में हमको कोई भी ड्रम का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो वाटर है डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे हमारा लैटेंट हीट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। और फ्रेंड्स बिलो दिस प्रेशर यानी 221 बार प्रेशर से बिलो जो भी थर्मल पावर प्लांट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग यहां पे एग्जांपल लिए हैं 188 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी यह क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। और इस टाइप के थर्मल पावर प्लांट पे हमारा ड्रम भी अवेलेबल होता है। तो चलिए फ्रेंड इसको हम लोग इस टीएस डायग्राम पे करके देखते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए इस लिक्विड को इस बॉयलर फीड पंप द्वारा प्रेशर हम लोग 188 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक इंक्रीज करके हम लोग बॉयलर में प्रोवाइड कर रहे हैं वाया इकोनोमाइजर, यानी कि फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम लोग जहां से पानी को खींच रहे हैं उसको हम लोग 1 मान ले रहे हैं, और जैसे ही बीएफपी से पानी निकलेगा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जा रहा है, यानी इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे 2 नंबर पॉइंट। यहां पे हमारा लो प्रेशर है, इधर हमारा हाई प्रेशर है। तो देखिए फ्रेंड्स इधर क्या है हमारा लिक्विड लाइन है और यह भी क्या है लिक्विड है, तो इस पॉइंट को मान के चलते हैं यहां पे हमारा 1 नंबर पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमने यहां तक इसका प्रेशर इंक्रीज किया, इस पॉइंट को हम लोग मान लें 2 नंबर पॉइंट, यानी इसका डिस्चार्ज हो गया। अब यह लिक्विड हमारा कहां गया फ्रेंड्स इकोनोमाइजर में, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इकोनोमाइजर में क्या होता है फ्रेंड्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हम लोग का टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज होगा, यानी यहां पे सेंसिबल हीटिंग होगा, यानी इस लिक्विड का टेम्परेचर जो हम लोग का आउटलेट होगा उसका टेम्परेचर हाईर होगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा अभी भी लिक्विड ही है। अब हम लोग क्या करेंगे इस लिक्विड को बॉयलर में जैसे प्रोवाइड करते हैं तो यहां पे क्या हमारा लिक्विड जोन होता है और यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा वेपर जोन। फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग इस लिक्विड को बॉयलर में भेजेंगे तो यह लिक्विड क्या होगा फ्रेंड्स अपना फेज चेंज करना स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे आते ही पूरा क्या हो जाएगा वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोग को क्या मिल गया पूरा स्टीम अवेलेबल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इस स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटिंग। फ्रेंड्स इस स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम लोग सुपर हीटर में भेजते हैं, तो जैसे हमारा स्टीम सुपर हीटर में जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है इंक्रीज होने लगता है। तो फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर हम लोग कितना इंक्रीज करेंगे तो फ्रेंड्स जितना हम लोग का डिजाइन है, तो मान के चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग का 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग का डिजाइन है। तो फ्रेंड्स अब जो यहां से स्टीम हम लोग का निकलेगा वह डिजायर टेम्परेचर और प्रेशर से निकलेगा, तो जैसे निकल के कहां जाएगा फ्रेंड्स तो हाई प्रेशर टर्बाइन में। तो जैसे ही टर्बाइन में जाता है तो यह स्टीम क्या होगा एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होकर के क्या होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही एक्सपेंड होता है तो हम जानते हैं कि फ्रेंड्स टर्बाइन में कॉन्स्टेंट एंट्रोपी पे यानी कि वर्टिकल लाइन होगा, तो फ्रेंड्स इस एंट्रोपी पे हम लोग का क्या होता है यहां पे एक्सपेंड होगा। तो फ्रेंड्स यहां से स्टीम को देखिए दोबारा से हम लोग कहां भेजे हैं रीहीटर में, यानी कि फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर फिर से दोबारा से हम लोग इंक्रीज करने के लिए रीहीटर में भेजे हैं। तो फ्रेंड्स फिर से क्या होगा हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहां से हम लोग क्या करेंगे जैसे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया यानी 540 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ गया, प्रेशर अभी भी कितना है तो जितना डिजायर्ड यहां से निकल रहा है उतना ही प्रेशर, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे हम लोग का आइसोबारिक हीट एडिशन होता है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे इस स्टीम को फिर से हम लोग कहां भेज दिए आईपीटी एंड एलपीटी में, अब यहां से फिर से स्टीम हमारा एक्सपेंड होकर के कहां पे आता है कंडेंसर में। तो फ्रेंड्स देखिए यहां से फिर से हमारा स्टीम क्या होगा एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंड होकर देखिए फ्रेंड्स हम लोग का कहां आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पॉइंट पे आ गया। फ्रेंड्स इस बॉयलर से जो स्टीम निकल रहा है इसको हम लोग मान के चलते हैं 3 नंबर पॉइंट, क्योंकि फ्रेंड्स यह क्या हमारा 2 नंबर है और बॉयलर से जो आउटलेट होगा उसको 3 नंबर, और यहां से जो स्टीम एग्जॉस्ट होगा उसको मान के चलते हैं फ्रेंड्स 4 नंबर, और यहां से जैसे रीहीट होकर के जाएगा तो इसको मान लीजिए 5 नंबर, और यहां से जैसे एक्सपेंड होगा तो यहां पे जो हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम निकलेगा उसको हम लोग 6 नंबर मान के चलते हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहां पे क्या हमारा 3 नंबर, यानी यह पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 नंबर पॉइंट, और एक्सपेंड होने के बाद जो ये पॉइंट आ रहा है वह कितना है तो इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं 4 नंबर, और फिर से इसको रीहीट करेंगे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 5 नंबर, और यहां से क्या होगा फ्रेंड्स जैसे ही स्टीम हमारा आईपीटी एंड एलपीटी टरबाइन में आता है तो एंटर करने के बाद स्टीम क्या होता है एक्सपेंड होता है, तो यहां पे हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, यानी कि फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट एंट्रोपी पे
स्टीम का एक्सपेंशन होता है। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, 5 से लेकर हमारा एक वर्टिकल लाइन है जो कि हमारा दिखा रहा है कि यहां पे हम लोग का एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को मान के चलते हैं 6। उसके बाद क्या करेंगे, इस एग्जॉस्ट सिस्टम को हम लोग कंडेंस कर देते हैं। यहां पे हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है, वेपर जोन में है, तो इसको हम लोग किधर लाना है, तो लिक्विड जोन में लाना है, यानी ठंडा कर रहे हैं, लिक्विड जोन में ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा आ गया लिक्विड जोन में। इस तरह से हम लोग रीहीट रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अभी हम लोग समझते हैं कि एचपी टरबाइन से जो एग्जॉस्ट सिस्टम है इसको रीहीटर में भेजने का जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यह 3 नंबर पॉइंट है, यानी यहां पे जैसे हम लोग हाई प्रेशर टरबाइन में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो फ्रेंड्स यहां पे एक्सपेंड करके हम लोग दोबारा से इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर दिए। अगर इंक्रीज नहीं करते तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स मान लीजिए इस स्टीम को हम लोग एक्सपेंड करते तो क्या होगा फ्रेंड्स, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, यानी कॉन्स्टेंट एंट्रोपी पे हमारा एक्सपेंड होगा स्टीम। तो मान लीजिए फ्रेंड्स यह पॉइंट हम लोग का कहां आ रहा है, तो यह क्या है फ्रेंड्स, हमारा 6 नंबर पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 6 डैश। फ्रेंड्स यह जो हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम है इस वेपर लाइन के काफी नजदीक है, यानी कि फ्रेंड्स इस एग्जॉस्ट स्टीम के अंदर हमारा वाटर पार्टिकल बहुत कम है। और जैसे ही हम लोग का लेफ्ट की तरफ मूव करता है, यह पॉइंट हम लोग का लेफ्ट की तरफ मूव करता है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका मतलब यह क्या होता है फ्रेंड्स, लिक्विड प्लस वेपर जोन, यानी कि फ्रेंड्स इस पॉइंट पे हमारा लिक्विड का क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स मान के चलिए कि इस एग्जॉस्ट स्टीम में जो हमारा वेट स्टीम का क्वांटिटी है वह मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा 8% है, और यहां पे जैसे हम लोग 3 नंबर पॉइंट से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एग्जॉस्ट करवाएंगे, डायरेक्ट हम लोग यहां से एक्सपेंड करवाएंगे, तो यहां पे जो हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम मिलेगा वह देखिए फ्रेंड्स हम लोग का क्या है, लिक्विड प्लस वेपर जोन के काफी अंदर है। तो यहां पर जो हमारा वेट स्टीम होगा, मान के चलिए फ्रेंड्स हमारा 20% वेट स्टीम मिल रहा है। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि टर्बाइन मैन्युफैक्चरर द्वारा इस एग्जॉस्ट स्टीम में 12% से ज्यादा वेट स्टीम नहीं होना चाहिए, कभी भी हो तो 12% से बिलो वेट स्टीम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पे जैसे हम लोग 3 नंबर पॉइंट से डायरेक्ट इस रीहीटर में ना भेज करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां पे एक्सपेंड करवाएंगे टरबाइन में, तो क्या अगर फ्रेंड्स वेट एग्जॉस्ट स्टीम में वेट स्टीम का क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा हाई होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस एग्जॉस्ट स्टीम में अगर वेट स्टीम का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो इस वेट स्टीम के चलते हमारा टरबाइन का ब्लेड इरोड हो जाता है, यानी अल्टीमेटली फ्रेंड्स हम लोग का टरबाइन का ब्लेड डैमेज भी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो स्टीम का एक्सपेंशन होता है उसका वेलोसिटी की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, यानी सुपरसोनिक वेलोसिटी से हमारा स्टीम फ्लो करता है, और जैसे ही इतना हाईर वेलोसिटी का स्टीम टरबाइन ब्लेड पे इंपैक्ट करता है तो उस टरबाइन ब्लेड को क्या कर देगा, इरोड कर देगा, यानी अल्टीमेटली उसको डैमेज भी कर देगा। तो फ्रेंड्स इस कारण की वजह से कि हमारा टरबाइन का ब्लेड डैमेज ना हो, जिसके चलते हमारा टरबाइन का एफिशिएंसी डिक्रीज ना हो, उसके चलते हम लोग क्या करते हैं इस एग्जॉस्ट स्टीम को दोबारा से हम लोग हीट करते हैं, ताकि यह जो हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम निकले उसके अंदर जो हम लोग का मॉइस्चर है वह डिजायर्ड लिमिट में हो, यानी बिलो 12% हो, जिसके चलते हमारा टरबाइन का ब्लेड डैमेज ना हो। तो देखिए जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज होता है, उसके बाद हम लोग जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं तो यह क्या होता है फ्रेंड्स हमारा बिलो 12% वेट स्टीम से एग्जॉस्ट होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं रैंकाइन साइकिल आपको समझ में आ गया होगा कि दोबारा से इस स्टीम को क्यों हीट किया जाता है, इसलिए हीट करते हैं ताकि फ्रेंड्स हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम हो उसके अंदर बिलो 12% वेट स्टीम हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।